The perfect fit is not found. It is tailored. Read and tailor. Hi, मैं हूँ स्वाति सुनील डांगी. ये कोई मोटिवेशनल कोट मैंने कहीं पर गूगल पे सर्च नहीं करा, किसी ने मुझे बताया भी नहीं. एक्चुअली मैंने कल ही किसी के हाथ में एक कैरी बैग देखा था जो कि रीड एंड टेलर का था. रीड एंड टेलर जो है एक फैब्रिक की नोन ब्रांड है, यू नो. तो उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ था, द परफेक्ट फिट इज नॉट फाउंड, इट इज़ टेलर्ड. ये जो कोट है इतना मोटिवेशन देता है अगर आप उसको ध्यान से समझें तो. ये सिर्फ एक कपड़े की बात नहीं हो रही है, ये आपकी लाइफ की सिचुएशंस की भी बात हो रही है. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, और अभी का ये जो टाइम है ना, ये स्टूडेंट्स का सबसे अच्छा बहाना होता है कि ठंड इतनी है, पढ़ने का मन ही नहीं करता, बस मन करता ब्लैंकेट में घुसे रहो और सो जाओ. राइट, यही होता है ना. बट ऐसा नहीं करना है. यू नीड टू थिंक अबाउट इट. थोड़ा सा सोचना है, उससे बाहर निकलना है. चीज़ें परफेक्ट आपको नहीं मिलेंगी, आपके अकॉर्डिंग आपको एनवायरनमेंट नहीं, आपको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा. यू नीड टू मेक इट, यू नीड टू टेलर इट अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, यू नीड टू कस्टमाइज इट. अगर आपको पता है आप सुबह नहीं पढ़ पाते हैं तो आप रात में पढ़िए. अगर आपको लगता है आप रात में नहीं पढ़ सकते, आप दिन में पढ़िए. यू नीड टू थिंक ओवर इट. आपको अपने लिए टाइम कब कैसे निकालना है वो आपको सोचना है. ठीक है, तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट. ओके, तो करते हैं हमारी ये वाली वीडियो स्टार्ट. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं Lesson-3, Part-3, जो कि इसका कोशिश करूँगी कि फाइनल पार्ट हो. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं करा देती हूँ रिकॉलिंग. रिकॉल करके बताइए, ज़रा समझिए, बताइए मुझे एक बार रिकॉल करके. मैं एक पूरा सेंटेंस लिख रही हूँ, अब आप मुझे बताएंगे. ठीक है, ये देखिए. बताइए क्या लिखा है मैंने, याद आया? यस, ली रोट अ फाइन रीडर, फुल स्टॉप. ठीक, एक और पूछ लूँ, एक और बताइए. बताइए. ही मे ड्राइव मी होम लेटर, फुल स्टॉप. ठीक है, समझ आ गया ना. चलिए करते हैं अब आपका आज का लेसन स्टार्ट, जिसमें आपको कराई जाएंगी ब्रीफ फॉर्म्स. क्या करेंगे आज हम, ऊपर अपना हेडिंग डालिए, ब्रीफ फॉर्म्स. देखिए शॉर्ट हैंड का मतलब यही है कि जितना ज़्यादा शॉर्ट हो जाएंगी चीज़ें उतना अच्छा, उतनी जल्दी आप लिखेंगे. तो वही है ब्रीफ फॉर्म्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. जो ब्रीफ फॉर्म्स होती है ना, वो आपको सिर्फ और सिर्फ याद करनी होती है कि कैसे उनको लिखना है. आपको ये नहीं देखना है कि उसकी स्पेलिंग क्या है. ठीक है, स्पेल नहीं करते हैं हम लोग, हम बोलते स्पेलिंग्स नहीं बोलना है उसमें. आपको ब्रीफ फॉर्म में आपको सिर्फ उसको याद करना है. ठीक है, देखिए कैसे. आए, लिखते जाइएगा साथ में, आए. आए की ब्रीफ फॉर्म कैसे होगी, अभी पीछे लॉन्ग आए जो सिखाया गया है आपको, वो क्या था, ये था ना. लेकिन ये कब है, जब किसी आप अल्फ़ाबेट के साथ जोड़ के लिखते हैं, जैसे माय. ठीक है, जब किसी के साथ जोड़ के लिखेंगे तो इस तरीके से आएगा. लेकिन जब अलग खाली आपको आए ही लिखना है, आई वॉज़, आई एम, कुछ ऐसे,
तो खाली आए इस तरीके से आएगा, ठीक है, आए 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 आए, इस तरह से बोलते जाइए, लिखते जाइए. नेक्स्ट इज हैव. देखिए ये क्या होता है, वी वी है ना, तो वी को ही कैसे बोला गया है, जैसे इसका साउंड कैसा आएगा, हैव. ह के लिए हम क्या यहाँ लगाते हैं डॉट, और ई आना चाहिए था तब आता, और ए भी आना चाहिए था वैसे तो, बट ये क्योंकि ब्रीफ फॉर्म है तो सीधा हैव 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 हैव, ये आपको याद रखना है. हैव अ लिखना है या एन लिखना है तो उसके लिए कहा जाता है डॉट. डॉट कहाँ आता है, नॉर्मल बीच में आता है, ऊपर या नीचे नहीं आता, क्योंकि ऊपर नीचे तो एच और इंग वाला था, बीच में अ या एन के लिए एक डॉट होता है, अ एन ओ एन, ठीक. नेक्स्ट इज एम. एम एम होता है ना, ये एम होता है ना, एम, इसी को ही एम भी बोलते हैं, ठीक है, एम एम. नेक्स्ट इज इट या फिर एट. इट बोलना है या एट बोलना है तो कैसे हो जाएगा, ये क्या था, टी था ना, टी, इट एट इट एट इट एट इट एट, ऐसे बोलना है और ऐसे लिखना है आपको, इट एट. इन नॉट, इन और नॉट, ये कैसे आएगा आपका इन और नॉट, एन छोटा एन, ये एम था तो एम हो गया, ये इन या नॉट के लिए सीधा एक लाइन आ जाती है, नॉट भी यही है और इन भी यही है, इन नॉट इन नॉट इन नॉट, ठीक है. इसके बाद ये ब्रीफ फॉर्म्स आपका उसी तरीके से काम करते हैं जैसे हम इंग्लिश में बनाते हैं. अब आपको लिखना हो अगर मिस्टर डेविड, तो मिस्टर के लिए आप मिस्टर का स्पेलिंग तो नहीं लिखते हैं ना, आप मिस्टर के लिए एम आर लिखते हैं, एम आर मिस्टर है ना, तो मिस्टर लिखते हैं एम आर, तो एम आर तो फॉर्म शॉर्ट फॉर्म इसलिए ही बनाई जाती है ताकि आप जल्दी से स्पीडली उस चीज़ को लिखें. तो सेम इन द शॉर्ट हैंड मिस्टर कैसे आ जाएगा, ये तो था आपका एम, एम था और ये आर, मिस्टर मिस्टर मिस्टर, ठीक है, मिस्टर. विल और वेल, विल या फिर वेल, विल और वेल जो भी आपको लिखना हो, दोनों के लिए कैसे आएगा, एल एल विल वेल, विल वेल, जैसे इंग्लिश में लिखते हैं ना शुड के लिए आ जाता है या फिर ऐसे अपोस्ट्रोफ करके डी लगा देते हैं, उसी तरीके से विल वेल, एल का क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से हम लिख देंगे. नेक्स्ट आपका आता है आर, आवर या फिर ये वाला आर, ठीक है, आवर आवर आर या फिर आर, कोई भी हो सेम साउंड है आपका, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, एक स्मॉल आर, आर 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 आर, दिस इज आर, ठीक है. ये आपके ब्रीफ फॉर्म्स हैं, दोबारा बता देते हैं, देख लीजिए, आपका आई है, हैव है, अ एन है, एम है, इट एट है, इन नॉट है, मिस्टर है, विल वेल है, आर आर और आर, तीनों आर सेम ही होंगे, ठीक है. अब आपका आता है इसमें थोड़ा सा फ्रेजिंग का, फ्रेजिंग, ये ब्रीफ फॉर्म्स हुई, नेक्स्ट टॉपिक डालिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, फ्रेजिंग, छोटे छोटे शुरू होंगे आपके फ्रेजेस अब थोड़ा सा, क्योंकि इतना आपने पढ़ लिया है पीछे दो लेसन्स में. फ्रेजिंग आता है, जैसे अब फ्रेज आता है पहला आई हैव, तो आई हैव को आपको कैसे जो है मैच करके ज्वाइन करके लिखना है, देखें, आई हैव आई हैव आई हैव आई हैव आई हैव आई हैव, ठीक है, आई हो गया, हैव हो गया, यही था हैव शॉर्ट फॉर्म, ओके. नेक्स्ट इज आई एम, आप भी स्पेस छोड़ते जाइएगा, मैं स्पेस नहीं छोड़ती हूँ, आप स्पेस छोड़ेंगे, ओके. आई एम आई एम आई एम आई एम आई एम,
इतनी अभी तक पढ़ने के बाद आपको पता होना चाहिए कि किसको नीचे लिखेंगे तो एम के साथ आ जाएगा, कि अगर उसके बाद हैव आ रहा है तो वी आपका नीचे आएगा। तो इसलिए बोला गया था कि आपको लाइन के ऊपर नीचे का ध्यान रख लेना है, ताकि ए बनाया तो हैव पूरा इस तरह से आए और नीचे बनाएंगे ए तो एम इस तरीके से आए। ठीक है, नेक्स्ट आर नॉट, जैसे बोलते हैं ना दे आर नॉट, ही इज नॉट, ठीक है, अच्छा वो तो इज आ गया। आर नॉट, आर नॉट कैसे आ जाएगा आपका, आर आर था और नॉट का एन, आर नॉट, आर नॉट, आर नॉट, ठीक है। नेक्स्ट इज ही विल, ही विल कैसे हो जाएगा, ई तो आएगा एच आएगा, ही विल इस तरीके से, ठीक है। आई विल, नेक्स्ट इज आई विल कैसे आ जाएगा, आई बड़ा विल, बस आई विल। ओके, ये आपकी हुई थोड़ी सी ब्रीफ फॉर्म्स और ये हुए आपके फ्रेजेस। इसके बाद क्योंकि हमें इसमें चैप्टर करना चाहती हूँ कंप्लीट, तो एक छोटी सी आपको मैं प्रैक्टिस करा देती हूँ, सेल्फ डिक्टेशन वाली जो प्रैक्टिस होती है हमारी, सेल्फ डिक्टेशन हेडिंग डालिए, लाइंस छोड़ते जाएंगे, मैं एक एक बार लिखूंगी। ओके, तो यहाँ पे आते हैं, देखिए आई विल, एम ई टी मीट, एम आर मिस्टर, मिस्टर ली, इन आर, मिस्टर में और इन आर में डिफरेंस देखिए, थोड़ा सा एन छोटा है एम बड़ा है, इन आर एस टी ओ आर स्टोर, इन एन आवर फुल स्टॉप, ठीक है। मैं मिस्टर ली से मिलूंगी अपने स्टोर पे इन एन आवर, एक घंटे में, क्या है आई विल मीट मिस्टर ली इन, ये इन है, ये आपका है आर, इन आर स्टोर, स्टोर इन एन आवर, इन एन आवर फुल स्टॉप, ठीक है। ये ए भी है और एन भी है, आवर है वोवल है इसलिए इसके आगे आपका ए आया, सॉरी एन आया, ठीक है। ये आपको पता होगा, मैं ये नहीं बोलूँगी कि वोवल के आगे जो है आपका अ एन आएगा या क्या आएगा, आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके साउंड होते हैं ना, जिसको हिंदी में बोला जाता है अ आ, जो होता है स्वर अ आ ई, इनके आगे जो है हमेशा एन लगता है, ना कि ए ई आई ओ यू, इनके आगे नहीं लगता, ठीक है। मतलब आपको इस चीज़ से ध्यान देना होता है, क्योंकि कई बार ये देखें एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आपको इसका, वाई, वाई जो है वोवल तो नहीं है, कॉन्सोनेंट है तो, लेकिन अगर मेरे को लिखना है याक, तो याक ओके, तो मैं आपको बता रही थी यहाँ पे एन क्यों लिखा है मैंने आवर के आगे, क्योंकि इसका साउंड जो है वो आ रहा है ये वाला आवर,
जो आपकी हिंदी के स्वर होते हैं ना, ना कि कॉन्सोनेंट्स, मतलब वर्णमाला नहीं, जो उसके स्वर होते हैं आपके अ आ ई ई, उनके आगे जो ये साउंड आता है ना, जिसमें भी इंग्लिश में अ आ वाला, उनके आगे आप ए एन लगाते हैं आर्टिकल, ना कि अ, ठीक है? दिस इज़ एन एप्पल। तो ऐसे ही आवर एच जो है वैसे तो कॉन्सोनेंट है ना, लेकिन इसके आगे एन लगेगा, क्यों? क्योंकि इसकी साउंड जो आती है वो आ की आ रही है, आवर। तो अ आ ई जो इस तरीके से आते हैं उनके आगे एन लगता है, ठीक है, ना कि ए ई आई ओ यू, हमेशा पढ़ा है ना ए ई आई ओ यू के आगे। लेकिन समझ लीजिए अभी से कि जो आपका साउंड होता है हिंदी वाला अ आ ई ई, उसके आगे ये आपका आता है। क्योंकि एसएससी में बहुत से ऐसे इंग्लिश की वोकैबुलरी पूछी जाती है और आर्टिकल्स पूछे जाते हैं और हम ओवर कॉन्फिडेंट होके लगा देते हैं ए ई आई ओ यू को देखकर, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखिए, आई हैव नॉट, आई हैव नॉट सीन माई मेल फुल स्टॉप, आई विल read it at home full stop। देखा, दोनों टी यूज हुए हैं और एक का साउंड आता है इट, एक का साउंड आ रहा है एट। तो क्या लिखा हमने, आई हैव नॉट, आई हैव नॉट सीन, यहाँ पे लिख देती हूँ इसके ऊपर ही, माय मेल फुल स्टॉप, आई विल रीड इट एट होम फुल स्टॉप, ठीक। नेक्स्ट आते हैं आपका, स्पेस छोड़ लीजिएगा आप अपनी, थर्ड देखिए, आई एन ओ नो, आई नो। अगर आपको ऐसे लिखने में भी हो परेशानी तो आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आई नो, सॉरी नो, ये आर हो गया था ना थोड़ा, एन ओ नो, ठीक है। आई नो मिस्टर, आई नो मिस्टर, मिस्टर रे वेल फुल स्टॉप, ठीक है, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। आई नो मिस्टर रे वेल फुल स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट, माय टी आर ए एन ट्रेन विल नॉट एल ई वी लीव एट एट फुल स्टॉप, इट विल लीव एन आवर लेटर फुल स्टॉप, ठीक है। क्या लिखा है, माय ट्रेन विल नॉट लीव एट एट फुल स्टॉप, इट विल लीव
an hour later, full stop. ठीक है जी. नेक्स्ट नेक्स्ट एंड द लास्ट वन नंबर 5. आई एम नॉट वेल फुल स्टॉप. आई विल STA स्टे. अगर ऊपर नहीं बनाना है तो STA नीचे भी बना सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट हो. ठीक है. स्टे होम ओम होम ओम. ठीक है, फुल स्टॉप. क्या लिखा दोबारा देखते हैं. आई एम नॉट वेल फुल स्टॉप. I will stay home. I am not well. Full stop. I will stay home. And you stay tuned for the next one. ठीक है, ये आपका खत्म हो गया है. अब पूरा lesson number 3. Okay. एक और message. Lesson 3 ends here. ये एक मूवी की तरह हो गया ना, मूवी चलती है जैसे, ख़त्म हो गया, दी एंड हो गया इसका. ठीक है ना. पर आपको अपनी प्रैक्टिस का दी एंड नहीं करना है, प्रैक्टिस करनी है. लेसन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है. माई थ्रॉट इज़ नॉट वेल. आई एम एक्चुअली नॉट वेल बट स्टिल पढ़ाना है तो पढ़ाना है, कमिटमेंट है. ठीक है. नेक्स्ट लेसन नंबर 4 स्टार्ट हो जाएगा. आई रियली होप कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि 3 तक भी आने तक ना, जब आप 3 लेसन तक सीख चुके हैं अगर, तो भी आपकी अच्छी सी अब आपको लिखना आना चाहिए. ठीक है. तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.